आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, और अगर इसको आपने अपने कल्चर में लागू किया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको 100% है कि बेनिफिट होगा। और जो मैं बातें कह रहा हूँ ये आप लिखा पढ़ी में ले लीजिए, इससे कम आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप अपनी स्वयं की एक छोटी सी सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं सुनील तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस हाईटेक किसान परिवार पर। दोस्तों दोस्तों आप लोगों के प्यार इतना हम लोगों को मिला है कि पर्चे बचाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि जो हमारे नए यूट्यूबर दोस्त हैं, जो नए यूट्यूब पर पहली बार हमको देखते हैं, उनके लिए पर्चे देना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस विषय पर वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो ट्रेंड इतना ज़्यादा है, आप लोगों के इतना ज़्यादा क्वेश्चन और क्वेरीज आते हैं उस विषय को लेकर, कि हमने सोचा कि उस पर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सही गाइडलाइन देना जरूरी है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे वो है पंगास को लेकर। पंगास कल्चर पर हम ये वीडियो है, और इसमें पंगास के बारे में हम आपसे बताएंगे कि आप 1 एकड़ में कैसे 4 लाख की बचत ले सकते हैं। तो इस पर हम वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, जो भी अगर पंगास कल्चर को करना चाहते हैं उनके लिए हम एक हमारे पास बुक भी उपलब्ध है, उसमें हम पंगास और मांगुर दोनों कल्चर को लेकर डिटेल में सारी बातें बताई हैं। उसमें 2-3 तरीकों से पंगास के बारे में हम लोगों ने रिसर्च किया है, जो प्रैक्टिकल रिसर्च है उस आधार पर इस बुक को हमने लिखा है। उसमें हमारा पंगास पालन कैसे किया जा सकता है, पहला पंगास पालन से 1 एकड़ में कैसे 4 लाख की बचत ली जा सकती है इसके बारे में, साल भर में पंगास से को कैसे हम 2 हार्वेस्ट ले सकते हैं उस पर सारी डिटेल से बातें की गई हैं। साथ ही साथ उसमें इस बात को भी बताया गया है कि पंगास के साथ कैसे आप IMC जो कि इंडियन मेजर कार्प होती है उसका पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोग कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से वो बुक भी आप लोग हम मंगा सकते हैं। वो प्रैक्टिकल के आधार पर बुक बनाई गई है, जो कल्चर किया गया है किसानों की राय लेकर, अपना खुद का जो है एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पर वो बुक है। वो आप अगर आप लोगों को उसको लेना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और साथ ही साथ एक और सूचना थी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो कि बायोफ्लॉक्स कल्चर, पाउंड कल्चर और पाउंड कल्चर विथ हाई डेंसिटी को लेकर हम अपने फार्मर के बीच आते रहते हैं, उसकी डेट आप लोगों को बता दी गई है। जो लोग ट्रेनिंग में भाग लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो लोग आप लोग आ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको अपडेट था, ट्रेनिंग आप लोगों को अगर लेनी है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जिस विषय पर आज हम वीडियो बना रहे हैं वो है 1 एकड़ में पंगास पालन से कैसे आप 4 लाख रुपए की सालाना बचत कर सकते हैं। तो उसको हम इस वीडियो में आप लोगों से डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे उसको अपने कल्चर में लागू करके अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि अगर आप लोग बायो पॉन्ड कल्चर में 1 एकड़ में 4 लाख का उत्पादन लेना है 4 महीने में, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। सर्वप्रथम आपको करना ये होगा कि आपको अपनी नर्सरी स्वयं बनानी होगी। नर्सरी मीन्स जहाँ पे हम लोग बच्चों को स्टॉक करके रखते हैं। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, और अगर इसको आपने अपने कल्चर में लागू किया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको 100% है कि बेनिफिट होगा। और जो मैं बातें कह रहा हूँ ये आप लिखा पढ़ी में ले लीजिए, इससे कम आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप अपनी स्वयं की एक छोटी सी नर्सरी बनाएं, और नर्सरी हाई डेंसिटी की रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे जब हाई डेंसिटी में आपकी नर्सरी होगी तो वहाँ आपको साल भर सीड की उपलब्धता रहेगी, आपको सीड के लिए कहीं दौड़ना नहीं होगा। क्योंकि सीड होता है वो, जैसे मार्च अप्रैल में जो इसकी ब्रीडिंग होती है वो आप मंगा के अपने पास रख लें, और नवंबर में आप, जैसे कि आपने मई में या जून में आपने हार्वेस्ट कर दिया तो आपको नया सीड आपको मिलेगा नहीं, आप पुराना सीड लेने जाएंगे वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा।
तो कल्चर में इन सब बातों का भी ध्यान देना होता है कि आप जो कल्चर कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप 10 रुपए का सीट खरीद के आप कल्चर स्टार्ट करो और जो पंगास है वो जो बड़ी मछलियां हो जाती हैं उनको ट्रैवल करके ले आने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो पंगास का कल्चर कर रहे हैं वो इस बात को जान रहे हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप जब शुरुआत में ही छोटे सीट को लेकर अपनी स्टॉकिंग कर लें, अपनी एक नर्सरी में उसको रखें और उस नर्सरी में उसको डेवलप होने दें। अगर आप लोगों को मालूम होगा कि फ्राई साइज से 100 ग्राम बनने में कम 3 महीने का समय जाता है, ये पॉन्ड कल्चर में भी होता है, बायोफ्लॉक कल्चर में भी होगा और पॉन्ड कल्चर भी थाई डेंसिटी, ये तीनों कल्चर में एक ही सिस्टम है। फ्राई से 100 ग्राम होने में समय जाता है 3 महीने। अगर इन 3 महीनों को हम अपने नर्सरी में सीड स्टॉक करके डेवलप कर लें, 100 ग्राम तक हम अपना जो है वहाँ नर्सरी में इकट्ठा करके अपने को सीड की उपलब्धता साल भर हो जाएगी और नर्सरी में हमारे 3 महीने का वो जो टाइम है उसमें 100 ग्राम का होता रहेगा और आपका इधर कल्चर आपका चलता रहेगा। तो जैसे आपने 100 ग्राम का सीड आपने नर्सरी से उठाया, आपने 1 एकड़ का आपका एक तालाब है, 1 एकड़ की मैं बात करता हूँ आज, 1 एकड़ का आपका अगर एक तालाब है तो आपने उसमें काउंट करके 10,000 सीड डाल देने हैं पंगास का। खाली 10,000 सीड आप डालेंगे, तरीके और भी हैं पंगास कल्चर का, वो आप उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज एक नॉर्मल तरीका जो पाउंड कल्चर में चलता है उस पर ही बात कर रहे हैं। तो आप 10,000 सीड आपने उसमें डाल दिया, 10,000 सीट अगर आपने उसमें डाला और ये आप मान के चलिएगा कि मार्च में अगर आपने सीट डाला है, आपने प्रॉपर फीड मैनेजमेंट उसका रखा है, फीडिंग उसको सुबह शाम 2 टाइम आप भोजन कर दीजिए, डाइट उसका, उसमें थोड़ा सा पानी के पैरामीटर को आप मेंटेन करते हुए चलिए, उसको आप लोग बूथ ग्रोथ प्रमोटर भी दे सकते हैं, मतलब फीड का जो उसका डाइट चार्ट है वो आप फॉलो करिए, जैसा कि हमारे जो हम जो बुक आप लोग अगर हम इंटरेस्टेड हैं मंगाएंगे उसमें हमने सारी डिटेल से बातें की हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फीडिंग चार्ट आप उसका मेंटेन करके चलेंगे तो अगर ये 100 ग्राम की साइज अगर आप पाउंड में अपने डालेंगे तो मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैक्सिमम आपको 3 महीने में से 4 महीने के बीच आपकी मछली तैयार हो जाएगी, 1 केजी प्लस हो जाएगी, ये गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 100 ग्राम के बाद जब भी मछली को आप फीडिंग कराएंगे वो पर डे 5 ग्राम 4 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम ऐसे वेट धीरे धीरे वो गेन करेगी और 100% गारंटी है कि वो आपका 4 महीने में 1 केजी प्लस की मछली हो जानी है। अगर आपने 10,000 बच्चे डाले हैं, अगर 1 केजी आपकी मछली हो गई 4 महीने में तो मतलब आप जोड़ लीजिए 10,000 का अगर 100 से आप भाग देंगे तो कितनी मछली आपकी हो जाएगी, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप 10,000 का 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी मछली हो जाएगी 10 लाख की। 10,000 केजी आपने माल उत्पादन लिया, 10 टन का आपने उत्पादन लिया, 1 केजी का रेशियो निकाल के 10,000 सीड डाला, 10,000 बच्चे आपका हुए, अगर सीड आप 11,000 डाल दीजिएगा एक 10% मोर्टैलिटी मान के, लेकिन अगर आपका 10,000 का सीड आपका हुआ तो 10 टन का आपका उत्पादन हुआ, 10 टन का उत्पादन का आप अगर मिनिमम आपका रेट मान के चलिए आप 100 रुपये में मछली को बेचेंगे मार्केट में, जाने का तो 120 में भी जाती है, 100 में भी जाएगी और कुछ साइज का वेरिएशन होगा, मैं 90 भी मैं मान लेता हूँ, 90-95 भी जा सकती है, लेकिन एवरेज एक मान के चलिए आपका कि 100 रुपये में आपकी टोटल मछली गई, 100 रुपये में गई, 10 टन माल हुआ, 100 × 10 टन आप करोगे तो आपका 10 लाख रुपये का आपका ये टोटल मछली हुई 10 लाख रुपये की। अब 10 लाख रुपये में आप जो है फीडिंग का कॉस्ट निकाल दीजिए, पाउंड कल्चर में जो FCR आता है आप लोगों को मालूम होगा वो मैक्सिमम 1.235 मैक्स 5 जाता है, 1.5 से अबव नहीं जाएगा कैसा भी आप लोग कल्चर कर लें, अगर आपने प्रॉपर उसका डाइट चार्ट फॉलो किया, ग्रोथ प्रमोटर दिया, वाटर पैरामीटर को मेंटेन किया, लाइम और गोबर की खाद ऑर्गेनिक खाद ये सब आपने उसमें प्रॉपर अगर डाला है तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए 1.2 से 1.3 के बीच आपका FCR आएगा, इससे अबव नहीं आएगा, 1.5 मान लेते हैं हम, इससे अब तो आना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। अब 1.5 का FCR का आप फीड कॉस्ट आप निकाल लें तो मैक्सिमम आपका फीड का खर्च आएगा ये मान के चलिए 60 रुपये
40 और 20 60 डेढ़ का, आप 60 रुपए से ज्यादा का फीट का खर्च नहीं आना है किसी भी कीमत पर। अगर आपका एक मछली के पीछे 60 रुपए का खर्च आया है तो 10,000 मछली के पीछे का आप खर्च निकाल लें, 10,000 मछली पे टोटल आपका कितना कॉस्ट आएगा, 10,000 गुणे 60 मतलब 6 लाख रुपए का कॉस्ट। और 6 लाख आपने प्रोडक्शन कितना किया है, आपकी मछली अगर 100 रुपए में गई है तो आपकी मछली गई है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख को आप 6 लाख से डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, तो आपका बचता है 4 लाख रुपए। मतलब कि आप 4 महीने में 4 लाख रुपए आप बहुत आसानी से इस मछली से कमा सकते हो, लेकिन तरीके आपको यही लागू करने पड़ेंगे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप जब नर्सरी से तैयार करोगे तो आपको ये 3 महीने का टाइम आपका बच जाता है और साल में आप इससे डबल हार्वेस्ट ले सकते हो। उस पर मैं बाद में आप लोगों को अपडेट दूंगा वो तरीके कैसे है, कैसे कि आप साल में उससे डबल हार्वेस्टिंग ले पाओगे। लेकिन ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इसको आप अपने कल्चर में फॉलो करोगे और लागू करोगे तो 100% है कि आपको इससे बेनिफिट होगा और आपको अच्छा लाभ इससे कमाया जा सकता है। रही बात आपके, कई लोग पूछते हैं कि भाई सर हम मछली को बेचेंगे कहाँ पर, हमने प्रोडक्शन कर लिया। भाई आप लोग एक चीज ध्यान दें, जिस मछली की मैं बात कर रहा हूँ ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली मछली है और सब जगह इसके आपको कस्टमर है। इसको कई नाम से आप लोग जानते हैं, बैकर, सिंगल कांटा की मछली, पंगास आदि अनेक नामों से आप लोग इसको जानते हैं। ये कहीं बिकने के लिए आप अगर मछली पालन कर रहे हैं, जो मछली पालन का किसान जो पहले से इस कल्चर को कर रहा है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास प्रोडक्शन होना चाहिए, आपके पास लोग, व्यापारी स्वयं आपके दरवाजे आएंगे और मछली को लेकर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, वो जाल भी लगाएंगे, हार्वेस्टिंग भी करेंगे, तौल भी करेंगे, आपको खाली देखना है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको मछली बेचने में कहीं कोई समस्या आने वाली है, मछली आपकी बहुत आसानी से बिक जाएगी। अगर आप लोग मछली पालन करना चाहते हैं तो हमारी बात को आप एक कल्चर में लागू करके देखिए कि आपको इससे कितना बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये था कि आप मछली पालन करके, पंगास मछली पालन करके कैसे 4 महीने में 4 लाख बचाया जा सकता है। और इस पर मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि साल में आप पंगास मछली पालन से डबल हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं और उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। वो बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच हम वीडियो लेकर आएंगे, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज हैं आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में हमसे बता सकते हैं, उस पर हम जरूर प्रयास करते हैं आप लोगों के जवाब देने के लिए। और उसमें से जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, जो नॉलेजेबल कमेंट्स होते हैं, वो हम अपना जो कि हर संडे को आस्क मी सीरीज लेकर आते हैं, हैश आस्क मी सीरीज नाम से एक, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, किसान उस पर जानना चाहता है, मुझे लगता है कि ये सभी किसान इसको नॉलेज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हम वीडियो के माध्यम से सभी किसानों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।